तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैं कभी सोचा न था ये मिलो दूर होगा साया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का सैड स्टेटस वीडियो क्रिएट करेंगे इन शॉर्ट एप्लीकेशन से। अगर आपको भी इस टाइप का वीडियो बनाना है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। और इस टाइप का वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम स्टेप में। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वो स्टेप आपको बताते हैं। तो यार, सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। करने के बाद यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और उस फोटो को ऐड कर लेना है जिस फोटो के ऊपर आपको वीडियो क्रिएट करना है। ठीक है, तो मेरा फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। देन अब क्या करना है, कैनवास वाला ऑप्शन मिलेगा कोना में, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 50 कर लेना है। और अब क्या करना है, इसमें टिक मार्क में क्लिक करके इसका जो है ड्यूरेशन आपको इस तरह से बढ़ा लेना है। मतलब जितना लंबा आपको वीडियो रखना है उतना सेकंड में कर लेना है, या फिर आपको उतना मिनट में कर लेना है। तो हम यहाँ पे 15 सेकंड तक कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे आना है और यहाँ पे ये जो फोटो आप ऐड किए हो उसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा फिल्टर वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन में जाकर कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन में जाना है और कॉन्ट्रास्ट है इसको हम 30 में रख देते हैं। और सेचुरेशन वाला ऑप्शन में जाते हैं और सेचुरेशन का जो वैल्यू है हम यहाँ पे -50 में कर देते हैं। ठीक है, और अभी क्या करते हैं, लास्ट पे आने हैं और यहाँ पे बिगनेट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है और बिगनेट का जो वैल्यू है हम यहाँ पे 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर का फोटो। और अब क्या करना है, इसमें टिक वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है और टिक कर देता हूँ। ठीक है, और देन अब क्या करना है, आपको यहाँ पे PIP वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है और एक ब्लैक डार्क इमेज को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो PIP वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से एक ब्लैक डार्क इमेज को ऐड कर लेना है। तो जितना भी मटेरियल यूज होगा सब का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजी से। देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक डार्क इमेज ऐड हो चुका है, फुल स्क्रीन पर कर देते हैं ये इमेज। ठीक है, तो देख सकते हो इमेज में नीचे में देख सकते हो यहाँ पर चुका है ब्लैक डार्क जैसा। ठीक है, इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद इसका जो है यहाँ पे ड्यूरेशन इसका लॉन्ग कर देता हूँ, यहाँ पे 15 सेकंड तक रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क में क्लिक कर देता हूँ। और अब क्या करते हैं, इसमें हम एक इफेक्ट को ऐड करते हैं, फायर इफेक्ट। ठीक है, तो फायर इफेक्ट वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे PIP वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे PIP प्लस वाला आइकन में जाना है और यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन में जाकर उस वीडियो को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अब क्या कहते हैं, इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर देते हैं और यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और स्क्रीन मोड में कर देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। और अब क्या करना है, लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है। तो लिरिक्स वीडियो को ऐड करने के लिए यहाँ पे दोबारा PIP वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे PIP प्लस वाला आइकॉन में जाना है और यहाँ से सैड लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे वीडियो ऐड हो चुका है। और इसको भी हम ब्लेंड वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे स्क्रीन मोड में कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे वीडियो मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया। तो देख सकते हो यहाँ पे वीडियो बन के रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, इस वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर में सेव वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेम रेट है इसको हम 16 कर देते हैं और इसका क्वालिटी यहाँ पे बढ़ चुका है और यहाँ पे आप वीडियो को सेव कर देते हैं। तो सेव होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप इन शॉर्ट एप्लीकेशन से सैड ब्लैक सैड स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह और वीडियो पाने के लिए।